हमारे देश में आज की डेट में सबसे ज्यादा चाय पी जाती है और सबसे ज्यादा चाय बनाई जाती है। यहाँ तक कि हमारे दिन की शुरुआत भी एक कप चाय के साथ होती है, और जिस दिन हम चाय ना पिए उस दिन हम बहुत आलस सा महसूस करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे भारत में चाय कहाँ से आई और इसकी शुरुआत कब हुई? नहीं जानते तो एंड तक बने रहिएगा इस वीडियो में, क्योंकि इस वीडियो में हम जानेंगे चाय के दिलचस्प इतिहास के बारे में। कहा जाता है कि चाय की खोज अचानक से हुई थी और इसका इतिहास करीब 5000 साल पुराना है। दरअसल आज से 5000 साल पहले चीन के शासक सेंग नूंग ने गलती से चाय की खोज की थी। दरअसल वो रोज गर्म पानी पिया करते थे, तो एक दिन उनके गर्म पानी में कुछ जंगली पत्तियां आकर गिर जाती हैं और उस पानी का रंग बदलने लगता है और उस पानी में से खुशबू आने लगती है। ये देख के राजा हैरान हो जाते हैं और वो उस पानी को पीने की कोशिश करते हैं। तभी दरबारी उनको रोकते हैं और ये कहते हैं कि हो सकता है कि ये पत्तियां जहरीली हों, लेकिन राजा उनकी बात नहीं सुनते और उस पानी को पी लेते हैं। और जैसे ही उस पानी को पीते हैं राजा को ताजगी और ऊर्जा महसूस होती है। फिर क्या था, राजा ने सभी दरबारियों को बुलाया और उन पत्तियों की तलाश जारी कर दी और कहा कि आज से रोज उनको इसी पत्तियों के पानी को पिया जाए। फिर क्या था, राजा उसको रेगुलर पीने लगे। राजा के साथ साथ उनके सभी दरबारी भी इसी पानी को पीने लगे। अब धीरे धीरे ये चीन का सबसे पसंदीदा पेय बन गया। यहाँ तक कि जब कोई भी विदेशी चीन के अंदर आता तो उसके स्वागत में भी यही पेय दिया जाता था। और राजा ने सभी दरबारियों को सख्त मना किया था कि इस रेसिपी को बाहर तक ना फैलाया जाए। यही कारण था कि अन्य देशों में चाय के बारे में बहुत से लोगों को कुछ नहीं पता चला, क्योंकि ये प्राकृतिक था तो वहाँ के बौद्ध भिक्षुकों ने भी इसका सेवन शुरू कर दिया। चाय पीने से उनको गर्मी का एहसास होता और ताजगी मिलती। लंबे समय तक नींद ना आने के कारण वे ध्यान कर पाते थे। जब चाय के फायदे मालूम हुए तो उनके साथ उनकी पत्तियां रखने लगे। यहाँ तक कि जहाँ भी वो जाते वहाँ पर वो चाय बनाकर पीते और उन्होंने अन्य देशों में चाय के बारे में बताना शुरू कर दिया और धीरे धीरे जापान, भूटान, नेपाल और भारत तक जानकारी पहुंच गई। अब चाय का उपयोग औषधि के रूप में भी किया जाता था। कहते हैं कि चाय की पत्तियां घाव भरने में काफी सक्षम है और चाय की पत्तियों से जो दवाई बनती थी उससे इम्यूनिटी भी बहुत जल्दी स्ट्रांग हो जाती है। तो इस तरीके से चाय अन्य देशों में पहुंचने लगी। अब भारत में जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई तो उन्होंने भारत के लोगों के खाने पीने पर भी अध्ययन शुरू किया और उन्होंने ये देखा कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत होने के साथ ही अंग्रेजों ने वहाँ के लोगों के खान पान पे भी ध्यान रखना शुरू कर दिया और उन्होंने नोटिस किया कि भारत के लोग एक तरह का पेय पीते हैं जिसको पीने से उनको ऊर्जा और ताजगी मिलती है। अंग्रेजों ने जब चाय पर अध्ययन किया तो पाया कि ये कुछ जंगली पत्तियां हैं। अंग्रेजों के लिए असम की चाय किसी खजाने से कम नहीं थी, क्योंकि उन्होंने ये सोच लिया था कि हम इस चीज का व्यापार करेंगे। भारत में चाय होने की सबसे पहली खबर 1834 में गवर्नर जनरल लॉर्ड बैटिक को मिली थी। उन्होंने काले पेय के बारे में ब्रिटिश सरकार के अधिकारियों को बताया और फिर एक टीम लेकर वो असम पहुंचे और वहां के नागरिकों की मदद से चाय के पौधे की तलाश जारी की गई। 1835 में यानी करीब एक साल बाद वहां पर पहला बागान लगाया गया जहां पर चाय का उत्पादन करना शुरू किया गया। जब इस खबर के बारे में चीन को पता लगा कि भारत में चाय का उत्पादन हो रहा है तो उन्होंने अंग्रेजों से व्यापारिक समझौता किया। इस समझौते के तहत चीन के कुछ बीजों को भारत में भिजवाया गया और उन बीजों पे अध्ययन करने के बाद पता चला कि भारत की भूमि इन बीज के लिए बहुत ही अमृत है। इस तरह अंग्रेजों ने चाय की शुरुआत की थी और जब 1947 में अंग्रेज भारत से गए लेकिन सरकार ने चाय का उत्पादन बंद नहीं किया और वहां पर 1953 में टी बोर्ड की शुरुआत की गई और टी बोर्ड के जरिए अन्य देश विदेशों में चाय को भिजवाया गया। धीरे धीरे ये चाय हर जगह फैल गई। आसाम, दार्जिलिंग और दक्षिण भारत में चाय का उत्पादन शुरू कर दिया गया। आज की डेट में 70% लोग चाय के दीवाने हैं भारत के अंदर और आज की डेट में हम बिना चाय पिए तो लोग रह ही नहीं सकते हैं और ये एक प्रॉपर व्यापार बन चुका है। सो गाइस, हमने इस वीडियो में जाना चाय के दिलचस्प इतिहास के बारे में कि चाय सन किस तरीके से हमारे भारत में पहुंची और किस तरीके से लोगों को इन्फॉर्मेशन मिली। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लाता रहूं। और आपको बेस्ट चीज क्या लगी इस पूरे प्रोसेस में मुझे कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टिल देन बाय बाय।